आगरा के जयपुर हाउस स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में आचार्य श्री चैत्य सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में दीक्षार्थी डॉक्टर सुरेश चंद्र जैन की मंगल अनुमोदना के लिए दो दिवसीय सर्व विघ्न विनाशक एवं शांति प्रदायक 30-24 महामंडल विधान का समापन 17 नवंबर को विश्व शांति महायज्ञ के साथ हुआ। आचार्य श्री चैत्य सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में दीक्षार्थी डॉक्टर सुरेश चंद्र जैन की मंगल अनुमोदना के लिए आयोजित दो दिवसीय सर्व विघ्न विनाशक एवं शांति प्रदायक 30-24 महामंडल विधान का समापन 17 नवंबर को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ हुआ। आगरा के जयपुर हाउस स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर टीचर्स कॉलोनी में प्रथम बार सम्पन्न हुए इस विधान के दौरान श्री जी की आराधना कर रहे भक्तों के भाव देखते ही बन रहे थे। भक्तों ने विधानाचार्य राकेश शास्त्री जी के कुशल निर्देशन में मंत्रोच्चारण के साथ श्री जी के चरणों में अर्घ समर्पित करते हुए विधान की मांगलिक क्रियाएं संपन्न की। इस अवसर पर भक्तों को आर्यका श्री शाश्वतमती माता जी के मंगल प्रवचन सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से दुखी है, आखिर कारण क्या है? जिनेंद्र देव ने सत्काल बताए हैं, तीन तो भोग भूमि है और तीन कर्म भूमि है। उन तीन भोग भूमि में उत्तम मध्यम जगन्य सबसे प्रथम सुखमा सुखमा, दूसरा काल है सुखमा, तीसरा काल है सुखमा दुखमा, चौथा काल है दुखमा सुखमा, पंचम काल है दुखमा। इस अवसर पर जयपुर हाउस जैन मंदिर की प्रबंध समिति के पदाधिकारी एवं उपस्थित भक्तों ने कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। आचार्य चैतागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में हमारे जिनेश्वर दीक्षार्थी डॉक्टर सुरेश चंद जी की महान अनुमोदना के लिए और पूरे जयपुर हाउस जैन समाज आज में बड़े जोश के साथ पुनः आज सब इकट्ठे हुए हैं और बड़े भक्तिभाव के साथ 30-24 की ये पूजन चल रही है। देखिए, पहली बार हमें पांच भरत पांच ऐरावत के तीनों भवों के तीर्थंकरों के नाम पढ़ने को मिल रहे हैं और इतना अच्छा लग रहा है कि इतने सुंदर सुंदर नाम तीर्थंकरों के भी हैं, ये हमें पता नहीं था। और बड़े भक्तिभाव के साथ हमारे पंडित जी साहब भूरे पंडित जी हैं जो राकेश ब्रह्मचारी जी, वो बड़े भक्तिभाव के साथ ये पूजन करा रहे हैं। परम पूज्य आचार्य श्री चैत्य सागर जी महाराज का जैसे ही आगमन हमारे जयपुर हाउस में हुआ, यहाँ पर खुशियों का माहौल बन गया और उस खुशी के माहौल के तहत हमारे डॉक्टर सुरेश चंद जी जैन दीक्षा लेने जा रहे हैं। उनके लिए हमने कि आगे उनकी दीक्षा बहुत बढ़िया रहे और आगे तक वो इस तरह ही अपने कार्य को करते रहे, उस कारण हम लोगों ने आचार्य चैत्य सागर जी महाराज से आशीर्वाद लेकर 30-24 विधान किया। 30-24 विधान भूतकाल भविष्यकाल और वर्तमान तीनों कालों के भगवानों की पूजा है। 720 अर्घ चढ़ेंगे और इन अर्घों के द्वारा हम अपने आप को अभिभूत करेंगे। जयपुर हाउस जैन मंदिर में आयोजित हुए दो दिवसीय सर्व विघ्न विनाशक एवं शांति प्रदायक 30-24 महामंडल विधान में स्थानीय जैन समाज के श्रावक श्राविकाओं ने बड़ी संख्या में सहभागिता कर धर्म लाभ लिया।